नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ मंटू ओझा। अभी मैं मौजूद हूं जो मालवा के जो वर्तमान चेयरमैन है सुनील मदेसिया उनके साथ। और आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि लगातार जब से नॉमिनेशन का इनका हुआ है, नामांकन पत्र जब से दाखिल किया है, लगातार जनता के बीच जा करके जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज ये जनसंपर्क किए हैं, मालवा में किस किस जगह पर हम रहे उन्हीं से जानेंगे। लेकिन आपको हम सबसे पहले पता चले कि जिस तरीके से लगातार जैसे जैसे वोटिंग का दिन नज़दीक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो भी प्रत्याशी उन लोगों की सभी सरगर्मियाँ तेज होती जा रही है। जी सुनील जी, ये बताइए कि आज आपने कहाँ कहाँ नॉमिनेशन तक तो 3-4 दिन पहले कर लिया, कल आपने कहाँ किया और आज आपने कहाँ किया है लोगों से? कल मेरा सुबह में जो था दौड़ा वो मिस कर रही गाँव में था, 6-7-8 नंबर वार्ड था जो मुस्लिम एरिया बहुत पड़ता है उसमें, लेकिन मुस्लिमों का भी बहुत ज़्यादा अपार सफलता मुझे मिली। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि इस जाति के लोग भी मेरे साथ हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे दिल में बहुत विश्वास हुआ कि मेरा चुनाव कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे अब रोक सके। मुस्लिम परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, हालांकि मुस्लिम परिवार ही मेरे साथ कर मुस्करही गाँव में पूरा घुमाया मुझे। आज भी कुछ बाकी रह गई थी, कुछ मुस्करही गाँव में कुछ जगह बाकी रह गई थी जो थकान होने के कारण मैं कल नहीं घूम पाया, तो आज फिर वहाँ गया, लोगों ने बुलाया, फिर वहाँ मिला, बहुत सफलता मिली, बहुत मज़ा आया मुझे घूमने में, अच्छा लगा, लोगों से प्यार दुलार पाकर माताएं बहनें मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। मैंने क्या कहूँ, अपने दिल से मैंने आंसू आ जाती है कि इतने प्यार मुझे लोग दे रहे हैं ना दिलों से, कि मैंने देख कर कभी कभी भावना आ जाती है कि भगवान की लीला है कि क्या है, इंसानियत लीला है कि लोग मुझे इतना बड़ा प्यार दे रहे हैं। अपने मन में लोग बैठा के रखें, कोई चेहरा तक नहीं पहचानता है कि सुनील कौन है, लेकिन नाम से लोग रखे हैं दिल में कि सुनील जी भी आप ही हैं। मैं कहता हूँ हाँ सुनील मदेसिया मैं ही हूँ, आया हूँ आपके पास, तो बाबू एकदम दिल में बनी रहे वह जाएँ। आज के जो भी प्रत्याशी आजकल जा रहे हैं जनसंपर्क लोगों के बीच, तो मटन और दारू की और पैसे का वो लोग लालच दे रहे हैं वोट देने के लिए, अपने पक्ष में वोट डालने के लिए, तो क्या कहीं ऐसा अभी तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा मेरा कुछ नहीं है भैया, सब लोग आप देखे होंगे मेरे नॉमिनेशन में कि गरीब महिलाएं गरीब जनता आई हुई थी। हमने कभी फिलहाल में, मैंने भगवान कसम मैं कह रहा हूँ, बाबा हरिराम का मैं बड़ा भक्त हूँ, उनसे भी मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि मेरे साथ इतनी महिलाएं इतनी जनसंप मेरे नॉमिनेशन में जुटेगी, लेकिन जब नॉमिनेशन में मेरे इतनी ज़्यादा समूह जुट गई, महिलाएं जेंट्स तेरे सारे वार्ड से 2-4, 10-20-50 लोग आए थे, 100 लोग आए थे, उनकी देख कर मैंने आंखों से आंसू मेरा आ गया। पहले तो सबसे पहले कि भगवान का इतना आशीर्वाद कि इतनी समूह मेरे साथ, हजारों की संख्या में मेरे साथ लोग थे, और मैं उसी दिन अपने आप को घोषित मान लिया कि मैं जीत गया। आज ही जब इतनी महिलाएं इतने लोग मेरे साथ हैं, मैंने किसी से कहा भी नहीं था कि मेरे नॉमिनेशन में चलना है, बस मैंने अपने धामवासियों से कहा था कि भैया मेरे नॉमिनेशन में चलना है आप लोगों को। बाकी 1 से लेकर 13 वार्ड के सारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग आए थे मेरे पास, और मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे साथ वही गुलार वही प्यार सब कुछ मिल रहा है। बहुत से प्रत्याशी है लोगों से जनसंपर्क करने के दौरान लोग जा रहे हैं, तो लोग मतदाता से साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुनील मदेसिया कोई भी मालवा में विकास नहीं किए हुए हैं, तो उन लोगों की बातों का क्या जवाब देंगे? मैं वैसे प्रत्याशियों से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, सारे प्रत्याशी आज मुझे चोर चाहे बेईमान कुछ भी बनाए, लेकिन मेरी जनता मेरी भगवान जानती है, मेरे जो भी आज जनता भगवान बने बैठे हैं वो लोग मेरे बारे में जानते हैं कि सुनील मदेसिया चोर है या बेईमान है, मैंने क्या नहीं किया क्या किया। आज वही 20 साल से मालवा के मतलब चेयरमैन थे लोग, 20 वर्ष से मालवा में चेयरमैन थे, वही मिसकरही का रास्ता है जो मिसकरही से लेकर मझौली वो मस्जिद तक कोई देखने वाला नहीं था, इतना पानी हेल कर लोग जाते थे, गंदगी का आबार पड़ा हुआ था, लेकिन आज वही रास्ता आप देख लीजिए जाकर कैसा चमक रहा है, मैंने हाइट किया सुंदरीकरण किया, वही नई बाजार है जो पानी में लोग हेल कर जा रहे थे मैंने उसको चौड़ीकरण हाइट किया, वही पुरानी थाना रोड है उसको भी मैंने चौड़ीकरण करने का काम किया, मझौली मोड़ पर 1 भी शौचालय नहीं था, आज मेरे रीजिंग में 2-2 शौचालय मझौली मोड़ पर डिलक्स जा लग रहा है, स्टेशन चौक पर 1 भी शौचालय नहीं था, मैंने वहाँ भी 1 शौचालय 2 तल्ला बनाने का कष्ट किया, कोरी बारे में कोई पूछने वाले नहीं था, आज कोरियों के लिए भी मैंने जो कुष्ठ आश्रम बोलता है वहाँ क्या बोलते हैं उसको, कुष्ठ आश्रम नहीं उसका कुछ, रेलवे कागरी जो है कोरी बारी जिसमें रहते हैं लोग कोरी, वो भी शिक्षक कॉलोनी होते हुए उन लोग के दरवाजे तक मैंने रास्ता दिया, 2 तल्ला शौचालय वहाँ भी मैंने एक दिया, उसके बाद वार्ड नंबर 2 में भी 1 शौचालय दिया, मालवा धाम का जो ब्रह्म का स्थल है वहाँ भी किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया था, यहाँ भी मैंने 2-2 शौचालय दिया, कहाँ विकास की गति मैंने कम किया। 13 नंबर वार्ड को देखिए मैंने जाकर जाल बिछाया है रास्ते की, 12 नंबर वार्ड में देखिए जाल बिछाया रास्ते की, 1 नंबर वार्ड जो रेलवे लाइन का था वहाँ जाने के लिए इतना गड्ढा लोग खेलते थे पुराने रेलवे लाइन से लेकर, और मैंने वो क्या चुना फैक्ट्री तक मैंने रास्ता बनवाया जहाँ तक मेरा एरिया पड़ता है वहाँ तक बनवाया, मैंने कहाँ क्या नहीं किया। लेकिन अब तो देखिए विपक्ष का तो काम है भाई बदनाम करना, मोदी जी हमारे इतना काम करते हैं, नीतीश जी हमारे इतना काम किए लेकिन बदनाम नहीं करते हैं, नीतीश जी ने दारू बंद कराया तो क्या अपने लिए बनाया, दारू बंद कराया तो हमारा समाज कितना विकसित है, महिलाएं कितना सुंदर बन रही है,
बदनाम तो चल जिसको उठना है भाई मेरे लिए बदनाम करबे करेगा, इसमें क्या रखा। अभी तो मैंने और कुछ करके दिखाया होता, लेकिन कुछ ऐसे चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ थे जिनको चेयरमैन बनना था, मेरे काम को अवरोध कर दिया, मेरे टेंडर निकाला हुआ भी टेंडर उन्होंने अवरोध नहीं खुलने दिया, नहीं खुलने दिया। नहीं तो अभी श्री राम जानकी मंदिर के पीछे मैंने 42 लाख रुपया का सौंदीकरण दिया था, उस घाट को जो पोखरा था उसका 42 लाख से एक साल से वो लोग टेंडर मेरा लटका के रखे हैं। मझौली मोड़ पर मैंने 48 लाख रुपया का टेंडर किया था, सबको मालूम होगा, टीवीएस एजेंसी से लेकर टीवीएस बीएसएनएल एजेंसी तक 48 लाख का टेंडर था मेरा, लेकिन वो भी काम नहीं होने दिए लोग। एक नंबर वार्ड में भी मैंने जो जीरोदार घाट के पास लिखा था 32 लाख रुपया का, वो भी नहीं हुआ। दो नंबर वार्ड में भी मैंने लिखा था, बाबा हरी राम 11 नंबर वार्ड में भी लिखा था और जोड़ीदार पोखरे की, लेकिन सारी कुछ हमारी प्रक्रिया जो योजनाएं 2.5 करोड़ को बच गई, हमारा राजनीतिक शिकार बन गया हमारी योजना, एक साल में हमें नहीं होने दिया। बार बार हम टेंडर करते गए, लोग खोलने नहीं दिया, खोलने नहीं दिया हमें, कुछ ना कुछ ब्लेम लगाकर, कुछ ना कुछ उसमें ठेकेदारी में अड़चन लगाकर काम को स्थगित करने का। क्या लग रहा है अब कौन कौन सा काम अधूरा पड़ा हुआ है मेरे में? चुनाव जीतने के बाद पहला विकास, पहले विकास मेरा नाले का होगा, जो मैंने टेंडर पेंडिंग डाला हुआ है 2.5 करोड़ रुपया का, सबसे पहले तो आते आते वो टेंडर में 2.5 करोड़ रुपया जाएगा। 4 घाटों का सुंदरीकरण है, जोड़ीदार है, मेन नाले का काम है जो 48 लाख का है, उसके 48 लाख का वो है, 42 लाख श्री राम जानकी जो थाना रोड में है पोखरा उसकी माने 42 लाख रुपये की टेंडर है, पहला तो कर प्रतिम का वो रहेगी। बाकी मेरे पास बहुत कुछ पैसे बचे हुए हैं, मैंने जो लाकर रखा हुआ है ऑफिस में, वो सारी पैसे का फंड सबसे पहले पानी निकासी की व्यवस्था में करूंगा। गरीब को जो मैंने 500 शौचालय पास किया है, उन लोगों को पैसा दिलवाने का मेरा फर्स्ट काम होगा कि सबको पहले पैसा दूं, कम से कम एक एक किस्त 50,000 रुपया उन लोगों को दे दूं, कि एक एक कम से कम उन लोगों का घर का काम मैंने 6 माह में मैं उनका करवा दूं, कि जितने भी हमारे 500 कर्जकर्ता हमारे 500 आवास लेटर जिनको मिला हुआ है उन सबका 500 हमारे नागरिक हमारे भगवान भाइयों हमारे गरीब महिलाओं बच्चों जो भी हैं उनका घर बन सके, 500 घर बनेगा मेरा, 500 मैंने पास किया है मैंने वास को। मेरा नगर पंचायत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा चिंता की घटना बड़ी हुई है, इस पर क्या कुछ उसके लिए भी मैंने सर 2018 से सीसीटीवी कैमरा मैंने प्लान कर दिया था, बोर्ड से पास, सशक्त से पास, सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ मैंने आपसे अभी बताया कि कुछ राजनीतिक मुद्दा मैं बनता गया, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे सट गए थे जिनको चेयरमैन बनना था, वो मेरे सारे डिफॉल्ट माने जो भी काम मैं करना चाहता था उसको अवरोध करना, उन लोगों का काम था कि भाई पैर खींचो इनका काम मन करने दो, इसलिए उनको मालूम हो गया था कि अब जनता से चुनाव होने वाला है, तो वार्ड से चुनाव होने वाला नहीं था, जनता से चुनाव होने वाला है, बस जनता को भाई जनता अगर ये सारा काम कर देगा तो जनता इसी को चुनेगी, तो सारे काम को अवरोध करने वाले हमारे जो नए कुछ पार्षद हमारे साथ सटे हुए थे जिनको चेयरमैन बनना था उन्होंने अवरोध लगाया, लेकिन मैं जनता से विश्वास दिलाता हूँ, अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि अगर आते आते मैंने जितना भी काम है, अब तो जनता का मालिक मैं हूँ ना, अब तो किसी पार्षद का नहीं हूँ, अब जनता मेरी भगवान है, मैं जनता का मालिक हूँ, जनता का सेवक बनकर काम करूंगा, और जितनी भी मेरी विपक्ष की काम बची हुई है पूर्व की काम बची हुई है मैं 6 माह के अंदर उसको करके दिखाऊंगा, ये मेरा पक्का वादा रहा। क्या अपील करेंगे नगर पंचायत के लोग? मैं नगर पंचायत की समस्त जमा सम्मानित जनता से अपील करूंगा, जो मेरे अभी भगवान बैठे हैं मैं उनका सेवक बनकर बैठा हूं, कि मुझे फिर दोबारा मौका दें, मेरी ईमानदारी मेरी सच्चाई उन चोरों पे मत जाइए जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जनता जानती हो, अगर 1 से लेकर 13 वार्ड की जनता कह दे कि सुनील आवास में चाहे शौचालय में अगर 1 रुपया मैंने किसी से मांगा हो, अगर मेरे ऑफिस में कोई भी आया हो उसका मैं अपने साथ रहकर ना काम कराया हूं, तो मुझे जो जनता सजा देगी मैं मंजूर करता हूं अपने आप को, और मैं जनता से अपील करूंगी कि दोबारा मुझे मौका दें, मेरी भवा रिंकू देवी को विजयी बनाएं, और वो भी वोट इतना दें, इतना मतों से विजयी बनाएं कि सबको देखकर विरोधियों को परास्त कर दें पूरा, कि कहीं कोई नजर दूर दूर तक ना है। चलिए अभी हमारे साथ थे सुनील मदरसे जो मारवा के जो प्रतिनिधित्व का काम करते हैं, हालांकि इनकी जो भवा है रिंकू देवी वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है, और इन्होंने साफ तौर पर एक जवाब दिया है कि जो भी जो विपक्ष के जो प्रत्याशी वो लगातार मुझ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं उस तरीके से उनके जो भी आरोप है सरासर गलत है, हालांकि जब भी मैंने कोई भी विकास के लिए मैंने फंडिंग लाया तो लोग साफ तौर पर लोग सभी फंडिंग को बेदखल करवाने का वो लोग काम किए, जिसकी वजह से मारवा नगर पंचायत में विकास नहीं हो सका। इस समय देखा जाए तो मारवा नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा चिंता की घटना बड़ी हुई है, इस पर भी इन्होंने सुनील मदरसे साफ तौर पर जवाब दिया कि मैं सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया था, लेकिन जो विरोधी थे जो चेयरमैन बनने के जो ख्वाब देख रहे थे उन लोगों की वजह से ये हमारा काम सफल नहीं हो पाया। हालांकि ये लगातार लोगों के बीच जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं और इनको अपार समर्थन मिल रहा है। अब देखना ये हुआ कि जब 10 तारीख को जब वोटिंग लोग देंगे तो उसके बाद ना जब रिजल्ट जब निकलेगा तो किस जो वोटिंग है किस करोड़ जाता है, अब यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।